हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में हम स्टडी करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी इन इंडिया। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं इंग्लिश में। भारत में बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समुदाय पर सामाजिक और आर्थिक बोझ बना रहता है। स्वास्थ्य समस्याएं न केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक, समाज बल्कि पूरे देश को प्रभावित करती हैं। इन स्वास्थ्य समस्याओं का देश की स्वास्थ्य स्थिति और जनरल विकास, सामान्य विकास पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सामान्य जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं समाज में, समुदाय में, वो बहुत सारी हैं और उन्हें स्टडी करने के लिए हम ग्रुप में बना सकते हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं। और मुख्य रूप से 6 ग्रुप बनाए हुए हैं जो इन स्वास्थ्य समस्याओं को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम, मतलब संक्रामक जो रोग हैं वो उनकी समस्याएं, असंक्रामक या गैर संक्रामक समस्याएं, गैर संचारी रोग, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स या पोषण संबंधी समस्याएं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम वातावरण की साफ सफाई से संबंधित समस्या, मेडिकल केयर प्रॉब्लम और यस पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इसमें कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम, भारत में कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचारी रोग एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। उनमें से कुछ हमारे समुदाय को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में मलेरिया के केसेस में कमी आई है, परंतु फिर भी हर साल इस बीमारी से काफ़ी लोगों की नुकसान होता है, जन हानि होती है, मृत्यु भी होती है। दूसरा है इसमें डायरिया, दस्त रोग। डायरिया की जो बीमारियां हैं वो रुग्णता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से हैं, विशेषकर 5 साल तक के बच्चों के लिए। खराब पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण भारत में जो दस्त रोग हैं उनका प्रकोप अभी भी जारी है। ट्यूबरक्यूलोसिस या तपेदिक, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, वो भी भारत की एक प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या है। HIV TB का जो सह संक्रमण है, दोनों का एक साथ संक्रमण, और जो मल्टी ड्रग प्रतिरोधी TB है, उसके उद्भव ने रोग की गंभीरता और परिमाण में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी है। लेप्रसी, कुष्ठ रोग भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। वर्ष 2018 और 19 के आंकड़ों को देखें तो भारत में कुल 1,20,334 नए लेप्रसी के मामलों का पता लगा, और ये जो केसेस हैं वो सब जगह से आ रहे हैं, लगभग सभी राज्य इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तीव्र संक्रमण, स्वास्थ्य श्वसन का संक्रमण, स्पेशली 5 साल तक से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसमें निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकियोलाइटिस आदि मुख्य संक्रमण हैं। स्वास्थ्य श्वसन से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो बच्चों को प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मीजल्स, 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों में खसरा और रूबेला, ये मृत्यु दर और रुग्णता के प्रमुख कारणों में है। हालांकि टीकों द्वारा इसको रोका जा सकता है, और अच्छे टीकाकरण सिस्टम के कारण हमने इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, अंकुश लगाया है, परंतु फिर भी बीच बीच में केसेस काफ़ी अपीयर हो जाते हैं, अभी भी हो रहे हैं। अन्य कारणों में यदि हम देखें कम्युनिकेबल डिजीजेज में, तो मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, डेंगू फीवर, एंट्रिक फीवर और हेलमिंथिक संक्रमण यानी पेट में कीड़े, इनका जो संक्रमण है भारत में प्रमुख संचारी रोग समस्याओं में से एक है। त्रासदी यह है कि इनमें अधिकांश बीमारियां टीकाकरण या स्वास्थ्य शिक्षा जैसे सिंपल संसाधनों या न्यूनतम इनपुट के साथ आसानी से इन्हें रोका जा सकता है, फिर भी ये आ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरी जो बड़ी सामाजिक
सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भारत पुराने गैर संचारी रोगों के एक बड़े और बढ़ते बोझ के साथ तेजी से महामारी संबंधी संक्रमण का सामना कर रहा है। गैर संचारी मतलब जो फैलने वाले नहीं है, उनमें मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां, अस्थमा, ये विकार एक बढ़ती आबादी और जो हमारा व्यवहार है पर्यावरण से संबंधित, उन परिवर्तनों के कारण सार्वजनिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में हमारे सामने आए हैं। भारत में हर साल 7 से 9 लाख मामले कैंसर के आ रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। भारत में तंबाकू से संबंधित कैंसर पुरुषों में कुल मिला के 50% और महिलाओं में 20% है। हर साल लगभग 1 मिलियन तंबाकू से रिलेटेड स्वास्थ्य प्रॉब्लम से मृत्यु हो रही है, जिससे तंबाकू संबंधी स्वास्थ्य समस्या एक प्रमुख पब्लिक हेल्थ चिंता का विषय बनी हुई है। जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव के कारण दिल की बीमारियां और स्ट्रोक के मामले भी बढ़ रहे हैं। अन्य गैर संचारी रोग जैसे दुर्घटनाएं, डेंटल प्रॉब्लम्स, मोतियाबिंद आदि भी हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी ढांचा है उस पर प्रभाव डालते हैं। तीसरी मुख्य कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम जो हमारे कम्युनिटीज में प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में, वो है पोषण से संबंधित। पोषण के दृष्टिकोण से भारतीय समुदाय को कुपोषण या ओवर फीडिंग, अधिक पोषण की दोनों प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। देश में विशिष्ट पोषण संबंधी समस्याएं हैं, मुख्य रूप से PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, भोजन की अपर्याप्तता PEM का मुख्य कारण है। और PEM में मेन जो समस्याएं आती है वो मरासमस और क्वाशोर हैं। और जो एक बच्चे के जीवन काल में जो पहले कुछ साल हैं उसमें एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है PEM की। दूसरा न्यूट्रिशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है हमारे पास, न्यूट्रिशन एनीमिया। भारत में महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी एनीमिया का प्रसार सबसे अधिक है। गैर जो गर्भवती महिला नहीं है, सामान्य महिलाएं हैं और छोटे बच्चों में लगभग 50% एनीमिया से पीड़ित हैं और अनुमान है ऐसा। और जो गर्भवती महिलाएं उनमें 60 से इवन 80% तक एनीमिक हो। लो बर्थ वेट बेबीज, ये भी एक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। भारत में जन्म लेने वाले लगभग 28% बच्चे कम जन्म के साथ जन्म लेते हैं, जो 2.5 किलो से कम है, जबकि विकसित देशों में ये जो अनुपात है वो केवल 4% है ये संभावना। इस स्थिति के लिए मात्र कुपोषण, यानी जो महिलाएं हैं गर्भवती माताएं हैं उनमें कुपोषण और एनीमिया ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसी प्रकार आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें गोइटर और अन्य आयोडीन की कमी से होने वाले विकार हिमालय के क्षेत्रों में और देश के अन्य क्षेत्रों में भी वो लगभग स्थानिक है, मतलब वहां होता है, नॉर्मल होता है। इसी प्रकार विटामिन ए डेफिशिएंसी, भारत में जो अंधत्व का 1% है उसमें 0.04 तो केवल विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। और ये इसी प्रकार क्रेटो मलेशिया, 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। अन्य न्यूट्रिशनल कारणों में यदि हम देखें, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम में देखें, तो उसमें लेथाइरिज्म और फ्लूरोसिस है, जो मुख्य रूप से मिलावट के कारण हो रहा है। इसके अलावा अन्य विटामिन और खनिजों की कमी, खनिज लवणों की कमी भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम में आती है, जैसे विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी, कैल्शियम आदि। एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, हमारे देश में सबसे कठिन समस्या पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या है। पर्यावरण स्वच्छता की समस्या का देश के कई क्षेत्रों में सुरक्षित पानी की कमी, मलत्याग निपटान, कचरे का अपर्याप्त प्रबंधन आदि। इनके अलावा जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नई समस्याएं भी इस एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। खराब स्वच्छता से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण होता है। इन सभी प्रदूषकों का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय स्वच्छता समस्या भी से उसे मच्छरों और मक्खियों के पनपने को भी
बल मिलता है। और ये जो वेक्टरबोर्न डिजीज हैं उसमें जैसे मलेरिया, डेंगू आदि का कारण भी बनते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल केयर प्रॉब्लम। मौजूदा जो अस्पताल आधारित और रोग उन्मुख स्वास्थ्य देखभाल का जो मॉडल है उसने शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा कार्य किया है, परंतु प्रॉब्लम ये है कि लगभग 80% ये सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि हमारे भारत में 70 से 72% जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और वहाँ पर इन स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनका अभाव है। और इवन शहरों में भी अस्पतालों में भीड़ भाड़, अपर्याप्त स्टाफिंग, आवश्यक दवाओं की कमी, ये भी प्रॉब्लम रहती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इन आधुनिक उपचारात्मक और निवारक समस्याओं का जो लाभ है वो लोग उठा ही नहीं पाते, क्योंकि वो वहाँ पर उपलब्धता नहीं है। भारत में प्रमुख जो चिकित्सा देखभाल संबंधी समस्या है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो असमान वितरण की है, मुख्य रूप से विशेष रूप से जो उच्च स्तरीय जो स्वास्थ्य सेवा है वो ग्रामीण इलाकों में सामान्य तौर पर नहीं मिल पाती है, केवल बेसिक सर्विस मिल पाती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण समस्या आती है कम्युनिटी में जनसंख्या वृद्धि की। जैसा कि आप जानते हैं हम 125 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। जनसंख्या की समस्या हमारे देश की एक बड़ी समस्याओं में से एक है, और इसी से और अन्य समस्याएं निकल के आती रहती हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, ये सब और पर्यावरण की स्थिति इनको प्रभावित करती है। जनसंख्या का जो आकार है वो स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण एकल कारक में एक शामिल है जो स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालता है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे टॉपिक को कवर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज उसको भी लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अपने नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉग को विजिट करना ना भूलें, mynursingstudents.blogspot.com। इस पे आपको कंटेंट मिलेगा सारा जो हम स्टडी कर रहे हैं, और लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।